तो पहले तो यही समझना इम्पोर्टेंट है कि डर्मा रोलर होता क्या है और ये करता क्या है। सो डर्मा रोलर, जैसा मैंने बताया, इट्स अ प्लास्टिक हैंड हेल्ड डिवाइस जो आप उसमें एक एंड पे एक रोलर होता है जिस पे माइक्रो नीडल्स होती हैं और दूसरे एंड पे प्लास्टिक का हैंडल होता है जो आपके होल्डिंग के लिए रहता है। एंड ये करता क्या है, ये माइक्रो, जब आप रोलर यूज़ करते हैं तो माइक्रो नीडल्स जो इसकी होती हैं वो पंक्चर करती हैं, छोटे छोटे होल्स बनाती हैं आपके स्कैल्प के अंदर, आपकी स्किन के अंदर। और ये होल्स जब बनते हैं तो इसके वजह, इसके थ्रू जो होता है, क्या होता है कि एक प्रोसेस स्टार्ट होता है स्किन के अंदर, स्कैल्प के स्किन के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ग्रोथ फैक्टर्स, कोलेजन, प्रोटीन, ये सब रिलीज होते हैं जो आपके फिर नए हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ में एंड डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एंड एज अ रिजल्ट आपका बेटर रिस्पॉन्स मिलता है टू वट एवर एग्जिस्टिंग थेरेपी आर यूजिंग। सो फर्स्ट मैं आपको ये दिखाऊंगा कि डर्मा रोलर होता कैसा है। सो दिस इज़ अ टिपिकल डर्मा रोलर। सो एज अब यू कैन सी, ये जो है ये इसका रोलरिंग पार्ट है, इस पर ये माइक्रो नीडल्स हैं छोटी छोटी, एंड ये जो है इसका कर्व हैंडल है, एंड दिस इज फॉर होल्डिंग, दिस इज हाउ यू होल्ड अ डर्मा रोलर। देयर इज अ ग्रूव ओवर हियर, सो यू विल ऑलवेज होल्ड इट लाइक दिस। इस तरह पकड़ना होता है आपको डर्मा रोलर को, ठीक है। तो अब इसका यूजेज और वो सब मैं बाद में बताता हूँ, बट अभी इसका अलग अलग तरीके के इसमें फीचर्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं जब भी आप सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा डर्मा रोलर आप यूज़ करेंगे। नाउ टिपिकली जो स्कैल्प पे यूज़ किया जाता है, सर पे जो यूज़ किया जाता है, वो डर्मा रोलर की, इसकी नीडल की लेंथ अलग अलग होती है। तो नीडल लेंथ वेरी करती हैं, 0.25 mm की आती है, 0.5 mm की आती है, 1 mm की आती है, 1.5 mm की आती है। तो ये जैसे छोटे से बड़ा होता जाता है, एंड जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे इन पेनफुल भी रहता है थोड़ा। तो जो यूजुअली जो बेस्ट जो नीडल साइज रहती है फॉर स्कैल्प फॉर द हेड इज 0.5 mm, बिकॉज ये जो है ये आपके हेयर फॉलिकल्स को प्रॉपरली स्टिमुलेट कर पाती हैं, ये राइट डेप्थ तक जा पाती हैं, बिकॉज 0.25 वाली जो है वो काफ़ी ऊपरी लेयर्स तक ही रह पाती है, वो ज़्यादा डीप तक नहीं जा पाती। एंड 0.5 से ज़्यादा वाली जो होती है वो काफ़ी डीप तक जाती हैं तो थोड़ी पेनफुल रहती हैं। सो इट इज़ प्रिफर्ड अगर वो लेंथ वाली नीडल्स जो होती हैं वो सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट एंड फाइकोलॉजिस्ट, जो बेसिकली आपके एक्सपर्ट डॉक्टर्स रहते हैं, हम क्लिनिक्स में वो यूज़ करते हैं। बट जब आप घर पे ये जो हैंड हेल्ड डिवाइसेज जो ये यूजुअली अवेलेबल हो गई हैं, जब घर पे यूज़ करेंगे तो ये आपको उस टाइम पे बेस्ट वुड बी रिकमेंडेड विल बी इफ यू यूज़ अ 0.5 mm का नीडल लेंथ। नाउ नीडल्स जो होती हैं इसकी बेस्ट जो होती हैं वो टाइटेनियम क्वालिटी की बनी होती हैं, सो दोज आर द बेस्ट वंस, बिकॉज टाइटेनियम वाली जो होती हैं वो ब्रेक नहीं होती इजीली। तो इसमें ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ से ले रहे हैं, कहाँ से परचेस कर रहे हैं, बिकॉज आपको, आप जैसे अमेजोन पे या कोई भी दूसरे वेबसाइट पे भी आप चेक करेंगे तो बहुत सारे जगहों पे आपको मिलेगा। बट यू हैव टू बी केयरफुल कि आप सही एंड ट्रस्टवर्दी सोर्स से खरीद रहे हैं ताकि वो क्वालिटी मेंटेन रहे, ठीक है। नाउ अभी बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो बिफोर यूज़ करने से पहले इसको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसके लिए सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं वो है इसकी हाइजीन। डर्मा रोलर हाइजीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय डर्मा रोलर हाइजीन व्हाट आई मीन इज बेसिकली दैट आपको इसको एवरी टाइम बिफोर यूजिंग एंड आफ्टर यूजिंग आपको इसको क्लीन करना है, वॉश करना है एंड स्टेरिलाइज करना है। स्टेरिलाइज करने के लिए आप सर्जिकल स्पिरिट जो होती है या रबिंग अल्कोहल जो होता है उसके अंदर इसको आपको कम से कम 5-10 मिनट्स तक इसको सबमर्ज करके डुबा के रखना है ताकि अच्छे से स्टेरिलाइज हो जाए। उसका इसको निकाल के एक ड्राई टॉवल पे या टिश्यू पेपर पे रख के इसको सूखने देना है खुद से, एंड जब एक बार ड्राई हो जाएगा उसके बाद ही यूज़ करना है। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि इसको कितने फ्रीक्वेंटली यूज़ करना है और कब कब यूज़ करना है। तो ये आपको यूजुअली जो है आप इसको दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ में कंबाइन करके भी यूज़ कर सकते हैं एंड ओनली डर्मा रोलर भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट्स तब मिलते हैं हमें जब हम इसको कोई दूसरे प्रोडक्ट के साथ कंबाइन करते हैं। जैसे मोस्ट कॉमनली रिकमेंडेड जो डर्मेटोलॉजिस्ट थ्रू होता है वो होता है मिनोक्सिडिल के थ्रू। सो अगर आप मिनोक्सिडिल जैसा कोई प्रोडक्ट या आप कोई हेयर ऑयल इनके साथ में इसको कंबाइन करके यूज़ करते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। नाउ जो 0.5 mm वाला जो डर्मा रोलर होता है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ, ये आपको वीक में सिर्फ एक बार यूज़ करना है। सो आप कोई भी एक डे आप फिक्स कर लीजिए वीक में एंड उसी डे पे आपको एवरी वीक वही टाइम पे यूज़ करना है। एंड आफ्टर यूजिंग द डर्मा रोलर आप बाल में दिन भर में कुछ नहीं लगाएंगे। सो एवरी टाइम बिफोर यूजिंग द डर्मा रोलर आप जो एवरी वीक में जो आपको फिक्स दे रहेगा उससे आधा घंटा या एक घंटा पहले आप मिनोक्सिडिल सॉल्यूशन को या जो भी हेयर ऑयल आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको अपने सर पे लगाना है एंड उसके बाद आपको रेस्ट ऑफ द डे कुछ भी उसमें नहीं लगाना है, ठीक है। उसके बाद डर्मा रोलर आप यूज़ करेंगे दैन द रेस्ट ऑफ द डे आप कुछ भी सर पे नहीं लगाएंगे, ना ही आप हेयर वॉश करेंगे, फिर सीधा आप नेक्स्ट डे पे करेंगे, ओके। सो अब अगेन दिस इज बेस्ट इफ़ यू डू इट इन द डे टाइम सो दैट द एंटायर डे का टाइम मिल जाता है ताकि ये प्रॉपरली जो अपना काम है, जो फंक्शन है वो कर पाए। क्या होता है अगर आप इमीजिएटली उसके बाद करते हैं, अभी कुछ अप्लाई कर देते हैं तो देन वो उसके ग्रोथ फैक्टर्स के साथ रिलीज होने में इंटरफेयर करता है। तो उस वजह से हम 1 hour प्रायर टू यूजिंग डर्मा रोलर मिनोक्सिडिल यूज़ करेंगे एंड उसके बाद हम डर्मा रोलर यूज़ करेंगे एंड द रेस्ट ऑफ द डे हम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे।
नाउ अब आती है बात इसको कैसे यूज करना है। सो पहले हमने ये इंश्योर कर लिया कि इसको क्लीन कर दिया हमने, हमने हमारे बाल को क्लियर कर दिया। अब जो भी जगह पे, अब आपका फॉर एग्जांपल जैसे काफ़ी लोगों का जैसे ये फ्रंटल हेयर लाइन में प्रॉब्लम है, या किस कुछ लोग के स्कैल्प में सेंटर में प्रॉब्लम होता है, कुछ लोग के इधर प्रॉब्लम होता है। सो जहाँ भी आपको इश्यू है यू हैव टू कवर द एंटायर स्कैल्प, लेकिन एक सिंगल स्ट्रोक में नहीं। तो आप इसको पैच वाइज करेंगे, आप इसको एक एक एरिया एक एक जोन वाइज करेंगे आप, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने को ये जोन में पहले करना है तो मैं पहले ये जोन में करूँगा, फिर इधर करूँगा, फिर इधर करूँगा। सो लाइक दैट आई विल प्रोसीड वन बाय वन ईच सेक्शन ऑफ द ईच जोन ऑफ द हेड, ठीक है। नाउ यूज़ करने से पहले आपको अपने हेड आपका साफ होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए एंड ऑल्सो वेट होना चाहिए। सो मतलब अगर आपने मिनोक्सिल या कुछ यूज़ किया, जैसे कि मिनोक्सिल है ये, तो यू कैन यूज़ अ स्प्रे एप्लीकेटर, स्प्रे करके आप ऐसे सब जगह पर स्प्रे कर लो एंड देन उसके बाद आप उसको हल्के हाथ से मसाज कर दो। ज़्यादा मसाज नहीं करना ताकि बिकॉज वी डोंट वॉन्ट इट टू कम्प्लीटली ड्राई ऑफ दी हेयर, उसको हम थोड़ा सा हल्के हाथ से मसाज करेंगे एंड देन उसके बाद हम डर्मा रोलर यूज़ करेंगे। सो नाउ डर्मा रोलर यूज़ करने के लिए किस तरह, मैंने सबको बताया एक जोन में। नाउ इन दैट पर्टिकुलर एरिया आपको इसको सिंगल डायरेक्शन में मूव करना है। सिंगल डायरेक्शन से व्हाट आई मीन इज फॉर एग्जाम्पल यू स्टार्ट ओवर हियर इन दिस पैच, सो यू विल मूव वन लिफ्टेड बैक एंड नीचे वापस लेके आओ, ऐसे एक डायरेक्शन में ऊपर किया नीचे ले आया, ऊपर किया उठाया फिर नीचे लाया। सो ऐसे रब नहीं करना है उसको, क्योंकि रब करेंगे तो क्या होता है कि चांसेस रहते हैं कि वहाँ पे इरिटेशन, स्किन इरिटेशन जैसे एब्रेशन आ जाए, कट आ जाए, क्योंकि नीडल्स हैं। तो यू हैव टू बी वेरी जेंटल, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है, बहुत हल्का हाथ भी नहीं रखना है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर लगाना है। ऐसा नहीं कि दबाना है आपको अंदर, नहीं, ये आपको होल्ड इस तरीके से करना है एंड इसको आपको जेंटली इसे रखना है, ऊपर रोल किया उठाया फिर रखा, ऊपर रोल किया उठाया रखा ऊपर रोल किया, ऐसे आपको हर डायरेक्शन में 5-5 बार करना है। सो 1, 2, 3, 4, 5 देन डायगनली, देन इस तरह से, फिर ऊपर से नीचे। सो इस तरह करके हर डायरेक्शन में आपको 5-5 टाइम्स करना है इन ईच जोन। ऐसे करके आप हर जोन में आप प्रोसीड कर सकते हैं आगे एंड ये सब करने के बाद अगेन वॉश इट विथ वार्म वाटर और उसके बाद इसको सर्जिकल स्पिरिट में या रबिंग अल्कोहल के अंदर डिप करके रखना है 5-10 मिनट के लिए, निकालना है, ड्राई करना है, केस में वापस रखना है, स्टोर इट इन अ ड्राई प्लेस। नाउ बिकॉज इसका हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड ये आपको वंस अ वीक यूज़ करना है। एंड एक जो डर्मा रोलर होता है इसकी नीडल्स की जो लाइफ स्पैन होता है, सो अभी ऐसा नहीं कि आपने एक बार ले लिया तो पूरा साल भर आपका वही चलेगा। सो आपको ये तब तक यूज़ करना है, या तो इट इसका जो होता है रफली अराउंड 8 वीक्स का लाइफ स्पैन रहता है, सो 8 टाइम्स आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड अदरवाइज उसके बाद भी अगर उस, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो जाता है कि उनका नीडल उससे पहले ब्लंट हो जाती है, तो अगर नीडल ब्लंट हो गई है तो कैसे मालूम पड़ेगा नीडल ब्लंट हो गई है, आपको रब करते टाइम आपको पेन होगा बहुत ज़्यादा। तो अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो मतलब दैट मीन्स द नीडल हैज़ बिकम थोड़ा ब्लंट, तो आप टाइम हो गया है चेंज करने के लिए। नाउ स्टार्टिंग के फेज़ में आप जो है पहले 2-3 महीनों में आपको इसको वीक में एक बार यूज़ करना है, उसके बाद जैसे आगे आगे ट्रीटमेंट प्रोसीड होगा तो जैसे आप जब 1-4 months में यू यूजिंग इट वंस अ वीक, उसके बाद आप उसको 2 हफ्तों में एक बार यूज़ करेंगे एंड उसके बाद फिर आप ग्रेजुअली महीने में एक बार यूज़ करेंगे। तो वो अकॉर्डिंगली आपको जिस तरह रिकमेंडेशन रहेगा आपके डॉक्टर ने उस हिसाब से आपको यूज़ करना रहेगा। सो मेनली दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो डर्मा रोलर से पर्टेनिंग रहती है। ये काफ़ी इफेक्टिव थेरेपी होती है, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सेज इससे आते हैं बिकॉज ये अच्छे से स्टिमुलेट कर पाती है हेयर फॉलिकल्स को। तो एंड नाउ विद न्यू एडवांसेस ये पॉसिबल हो गया है कि बिकॉज अर्लियर ये सिर्फ OPD प्रोसीजर होता था, तो आपको फिजिकली डॉक्टर के पास जाना पड़ता था ये कराने के लिए, बट नाउ ये प्रोसीजर आप घर बैठे भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल इंस्ट्रूमेंट एंड डेफिनेटली आप इसको यूज़ करें विद द राइट मेथड एंड द राइट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व। सो अगर इन केस कुछ और आपको वीडियो से कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ और इश्यूज रहें तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में आप मैसेज कर सकते हैं एंड आई विल गेट बैक टू यू अबाउट इट। इन केस कोई और चीज़ के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो या कुछ और टॉपिक पे आपको बात करनी है हेयर रिलेटेड या एनी अदर थिंग रिलेटेड, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कलीग्स के साथ, अपने फैमिली के साथ, सो दैट उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन राइट पहुँच सके हूएवर रिक्वायर्स इट। थैंक यू।